एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जो है एसेंट टू ग्लोरी जो हमारी सीरीज़ है उसके 9 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं और खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि खेलिए। और हमारे सारे जो एसेंट टू ग्लोरी सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं #1 से लेकर #9 ज़रूर देखिए। #9 वाला देख कर जो मैंने कहा है वो ज़रूर कीजिए ताकि हम लोगों को स्टार मेकर पर इसको खेलने का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, तो आप जो है असेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास बात बताने आई हूँ, दैट इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ इनगट्स। तो ये जो हमको इनगट्स मिलते हैं डिफरेंट टास्क को पूरा करने पर और बहुत सारी जगह जो है ये हमको इनगट्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो इनगट्स हैं इनका प्रॉपर यूज़ क्या है और कैसे हमको इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें जो है आज मैं आपसे इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में मैं आपको इस ये इनगट्स जो है मतलब कहाँ से आपको ज़्यादा मिल सकते हैं और क्या आप करें जिससे आपको फ्री ऑफ फंड जो है आपको ये इनगट्स मिलें, वो सारी चीज़ें जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी डेफिनेटली। तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि इनका प्रॉपर यूज़ कहाँ है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा सकें। तो वो देखने से पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूंगी, देखिए मेरे डमी फंड जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको सम मोर फंक्शंस में, तो आप देख रहे हो कि डमी फंड पे रेड मार्क दिख रहा है क्योंकि अभी अभी मेरा डमी का लेवल बड़ा है। और आप देख रहे हो कि ये देखिए लेवल 8 वाला जो है मेरा जो है मैंने कंप्लीट करके लेवल 9 पे गई हूँ, तो ये वाला जो है ओपन हो चुका है लेवल 9 वाला, तो इसलिए जो है हमको रिवॉर्ड मिला है। ओके, तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी आप लेना भूलिएगा मत, आप डमी लेवल जो है अपना बढ़ाते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनगट्स के बारे में। तो हम क्वेस्ट में चल के एलिट चैलेंज में जाते हैं और एलिट चैलेंज से आपको सबसे पहली चीज़ बताती हूँ कि आपको मैंने बताया था एलिट चैलेंज वाला वीडियो में, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके। इसमें जो है डेली के 6 स्वीप जो है आपको चांसेस मिलते हैं डेली के, है ना, उसमें से एक स्वीप चांस जो है आपको फ्री मिलता है, वो आप डेली जाके ज़रूर लीजिए, उससे ब्रेड्स मिलते हैं आपको, ठीक है, तो ये आपको फ्री मिलता है। उसके बाद जो है 5 स्वीप और रहते हैं जो हमको इनगट्स में ख़रीदना होते हैं। तो पहला जो होता है 5 इनगट्स का होता है, तो वो भी आप बिल्कुल इजीली परचेस कर सकते हैं, तो 5 इनगट्स लगा के ज़रूर आप उसको परचेस कीजिए। और मैं कहूँगी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेड्स की और अभी फ़िलहाल जैसे आपका हाथ रुका हुआ है और आपको ब्रेड्स की ज़रूरत है, तो ये स्वीप के जो आपको दिए गए हैं अटैम्प्ट ये आप ले सकते हैं इनगट्स यहाँ लगा कर, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा ही रहेगा क्योंकि इसमें जो है आपको ब्रेड्स जो मिलती हैं वो इजीली मिलती हैं और किसी कंपैरिजन में, है ना। अब जो मैं बात कर रही हूँ कि एक यूज़ तो ये हो गया इनगट्स का कि आप यहाँ आके जो है ब्रेड्स ले सकते हैं, है ना, और बाकी जो आपको लड़ना है वो सब मैं बता चुकी हूँ उस वीडियो में एलिट चैलेंज में, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको इसमें कोई भी डाउट है तो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, तो वो बहुत ख़ास बात है, ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरा डमी लेवल अभी बढ़ा है, है ना, और डमी फंड से भी हमको चीज़ें मिलती हैं और डमी लेवल बढ़ने से जो है बहुत फ़ायदे होते हैं, वो भी अगले वीडियो में नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही ख़ास बातें इस गेम के बारे में आपसे, तो डेफिनेटली जो है आप नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो अभी फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बोला कि डमी लेवल बढ़ाने में जो है इन इनगट्स का बहुत बड़ा यूज़ है, तो आप देख रहे हो अभी मेरे पास जितने हैं 50,094 है ना, और मैं आपको अपने डमी लेवल में चलकर दिखा देती हूँ, ये नीचे अटैक के राइट हैंड साइड जो दिखता है हमको डमी लेवल हमारा, कि ये जो डमी लेवल है ये जो अटैक के हमको राइट हैंड साइड दिखता है नीचे, तो 9 लेवल हो गया है मेरा, तो इसको क्लिक करके आप यहाँ आ जा रहे हैं। अब आप देखो कि नेक्स्ट लेवल के लिए वो हमको बता रहे कि हमको 1 लाख जो है सिल्वर पॉइंट्स चाहिए, है ना, लेवल 10 के लिए 1 लाख चाहिए और अभी मेरे पास 50,000 है, जस्ट हाफ है, ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमको सिल्वर पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िलहाल देखिए एक जगह और है जहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था, वो अभी मैंने कलेक्ट नहीं करी है तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि क्वेस्ट जो होते हैं हमारे, क्वेस्ट में जो हमारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं लड़ाई करने पर वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में जो है चैप्टर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, और ये चैप्टर रिवॉर्ड्स कुछ स्टेजेस कंप्लीट करने पर मिलते हैं, और आप देख रहे हो कि मेरी 3 स्टेजेस पूरी हो गई जिसमें हमको इनगट्स भी मिलते हैं,
सिल्वर कॉइंस मिलते हैं, और थर्ड के बाद जितने भी स्टेजेस हैं उसमें हमको ब्रेड्स मिलते हैं इनगट्स के साथ में। तो यहाँ से भी जो है आप क्लेम करिए बिल्कुल, है ना। तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये देखिए मैंने क्लेम कर लिया और ये तीसरा भी कर लिया, तो इससे हमको ब्रेड्स भी मिल गए और इनगट्स भी मिल गए, ठीक है। तो इनगट्स का एक सोर्स ये भी जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये इनगट्स का ये सोर्स तो है ही, अब उसके साथ में मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि आप कैसे इनको प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो आपको चलना है शॉप में। ये जो शॉप वाला ऑप्शन है इसमें चलिए, और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें। तो आप देख रहे हो, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखो कि जो है 10 इनगट्स में जो है 1000 हमको ये मिल रहे हैं, 50 इनगट्स में आपको ये मिल रहा है ना, 100 इनगट्स में यहाँ दिख रहा है। तो अब मैं कुछ कंपैरिजन आपको बताती हूँ। आप खुद सोचिए कि यदि 10 इनगट्स में हम 1000 ले रहे हैं, तो हम 50 इनगट्स में यदि इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो कितने मिलेंगे हमको, 5000 मिलेंगे। गॉट इट, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। और यहाँ जो डेली लिमिट दिखाई दे रही है वो आप ध्यान दीजिए, डेली लिमिट दिख रही है 1000, मतलब हम ये जो है 1000 टाइम कर सकते हैं, है ना, इतने इनगट्स कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 50 इनगट्स लगा के जो है आपको 10,9999 मिल रहे हैं, दैट इज़। बट ये है कि इसमें सिर्फ आपको एक बार है, मतलब दिन में एक बार जो है आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात पे बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। फिर 100 इनगट्स में जो है आपको यहाँ 16,666 आपको जो है सिल्वर पॉइंट्स मिल रहे हैं, और ये जो है वीकली लिमिट 10 है, मतलब आप सप्ताह में जो है 10 बार इसको ले सकते हैं। अब आपको क्या दिमाग से काम करना है ना, बहुत जल्दबाजी कभी नहीं करना है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको काहे में इसमें है ना। अब यदि देखिए मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ उसके डमी लेवल के, अभी जैसे मेरे पास 50,000 है ना, और मुझे 1,00,000 करना है, तो अभी मुझे 50,000 का ही गैप है पूरा पूरा, ठीक है। तो मैं थोड़ा यदि दिमाग से काम करूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करूँ, तो ये तो मैं दिन में एक बार ही ले सकती हूँ। मैं आपको लेके बता देती हूँ। तो ये देखिए 1 डेली लिमिट दिखा रहे हैं, मैंने इसको बाय करना था, मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये जो है 10,000 मेरे पास हो गए, और वहाँ हमारे पास 60,000 अबव हो गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अब जो है आज के दिन ये नहीं मिलेगा, अब ये कब मिलेगा, कल मिलेगा। और इसमें हमको 50 में जस्ट डबल मिल रहा है, इसको कंपैरिजन करें तो जस्ट हमको डबल मिल रहा है, गॉट इट। तो ये जो है यदि मुझे करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही करूँ, मैं कल भी जो है इसी को परचेस कर सकती हूँ। तो उससे मुझे क्या होगा, मैं ऐसे करूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बट उसमें यह होगा कि हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा और हमें डबल मिल रहा है, जस्ट डबल, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो। और यदि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप फिर ये 1000 वाले, मतलब 10 में जो है आपको 1000 मिल रहा है, तो 100 में कितने मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो ये 100 में जो है 16,666 मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है ना, यदि ज़्यादा जल्दी है आपको। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि अभी जो है मेरे पास सिल्वर कॉइन्स जो है इतने हो गए हैं। ये कैसे हुए हैं, अटैक करने से हुए हैं, सेल करने से, है ना। तो जब इतने हो गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि आज ही जो है अपना डमी लेवल का काम कर लेती हूँ, ताकि जो है, क्योंकि 1,00,000 जब हम पूरे करते हैं तो उसमें 96 आवर्स लग रहे हैं, मतलब पूरे पूरे 3 दिन जा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यदि आज स्टार्ट हो जाएगा तो डेफ़िनेटली हमको फ़ायदा होगा, है ना। तो वो जो चीज़ है इसके लिए मैं जो है परचेस कर लेती हूँ शॉप में से। तो अभी आप देख रहे हो कि शॉप में से मैं इसको परचेस करना चाहती हूँ, तो ये वाला कर सकती हूँ मैं, 100 वाला, इसमें ही थोड़ा फ़ायदा है। वो 50 वाला तो 1 टाइम हो चुका है, तो ये वाला 100 वाला, ये देखिए एक परचेस करने को कह रहे हैं, मैं एक कर लेती हूँ इसका, ठीक है। तो ये हमने परचेस कर लिया, और अभी आप देखेंगे बैग जाके आती हूँ तो यहाँ दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 100 इनगट्स तो हमारे लग गए, बट ये हो गया, ताकि जो है मेरा डमी लेवल का काम हो जाएगा। तो मैं जो है डमी लेवल पे लगा देती हूँ, आप ही के सामने देखिए, आप ग्रेड पे लगा देती हूँ, और ये देखिए 96 आवर्स का काम है। और हम हर, मैंने आपको बताया था, हर 2 घंटे में जो है अब रिड्यूस टाइम कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ज़रूर रोज़ यूज़ करना है, बार बार, हर 2 घंटे बाद, ताकि जो है आपका टाइम रिड्यूस हो जाए और जल्दी से जल्दी आपका डमी लेवल हो जाए। डमी लेवल के क्या फ़ायदे हैं जल्दी ही आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, सेम म्यूजिकल विद मी।